हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो टॉपिक बताने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, उसी तरह ही पब्लिक फाइनेंस और मैनेजमेंट का काफी सारी हिंदी के अंदर वीडियो जो है उपलब्ध है, उनको आप देख सकते हो। एकाधिकार प्रतियोगिता का पूरा टॉपिक जो है वहां पे कवर किया हुआ है हिंदी के अंदर, तो आप लोग वहां पे देख सकते हो। तो यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, विक्रय लागत और उत्पादन लागत में अंतर। अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये मेरी ऐप है जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। यही ऐप जो है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह कस्टमाइज कोर्सेज इकोनॉमिक्स के, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर उपलब्ध है। तो सबसे पहले हम बिक्री लागत और उत्पादन लागत, देखो जो उत्पादन लागत तथा बिक्री लागत है जिसको इंग्लिश के अंदर हम कह सकते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट उत्पादन लागत को, बिक्री लागत को हम सेलिंग कॉस्ट कहते हैं, और उसके अंदर आधारभूत अंतर है। देखो उत्पादन लागत जो होती है या उत्पादन खर्चे, वो खर्चे होते हैं जो ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वस्तुएं जो है ग्राहकों की आवश्यकता के मुताबिक बनाई जाती, ताकि ग्राहक की आवश्यकता पूरी हो सके। और उत्पादन लागतों की वजह से क्या होती है कि वस्तुएं जो होती है जैसे उपभोक्ता चाहते हैं वैसी बनाई जाती हैं, उनके योग्य हो जाती है। लेकिन जब हम बिक्री लागत की बात करते हैं तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि उपभोक्ता को बताएगा कौन कि ये जो विक्रेता है इस तरह की चीजें बेचता है। तो इसलिए जो फर्में होती हैं उनको बिक्री लागतें जो होती हैं इनकर करनी पड़ती है, खर्च करनी पड़ती है, जो उपभोक्ता की रुचियों और आदतों के परिवर्तन करने में सहायक होती है, जो ग्राहकों को इन्फॉर्मेशन देती है, साथ में प्रेरित भी करती है कि वो चीजों को खरीदे। तो इस जो बिक्री लागतें होती हैं इनके पीछे जो उद्देश्य होता है ताकि ग्राहकों को वस्तु के प्रति आकर्षण करना होता है। ये लागतें जो होती हैं बेसिकली देखो जो उत्पादन लागतें होती हैं ये मांग के अनुरूप जो है वस्तु बनाई जाती है, लेकिन जो बिक्री लागत होती है वो मांग को वस्तु के अनुरूप बनाती है। तो अब हम देखते हैं इनके अंदर जो है क्या डिफरेंस है। देखो बिक्री को बढ़ावा देने के लिए, अपनी सेल को बढ़ाने के लिए जो हम खर्चा करते हैं उसे हम बिक्री लागतें कहते हैं। उत्पादन लागतें होती हैं जो एक फर्म किसी वस्तु या सेवा को जो उत्पादित करती है उसके उत्पादन पर लगाती है। विक्रय लागत के अंदर आ जाती है जैसे विज्ञापन करते हैं, सेल्समैन को कमीशन देते हैं, सेल्स प्रमोशन करते हैं, पब्लिसिटी के ऊपर खर्चा करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं। लेकिन उत्पादन लागत में आ जाता है जैसे हमने कच्चा माल खरीदा क्योंकि उसको फिनिश गुड के अंदर कन्वर्ट करना है, श्रमिकों को बनाने के लिए मजदूरी देते हैं, बिजली देते हैं, बाजार तक जो लेके जाते हैं उसका भंडार करते हैं। मतलब भंडारण होता है कि क्योंकि बेचने और खरीदने में डिफरेंस होता है तो इसलिए हम उसको वेयर हाउस में रखते हैं, और फिर जब चीज बिक जाती है तो उसको हम जो ग्राहक होता है उसको डिलीवर करते हैं। तो जो बिक्री लागत के पीछे उद्देश्य होता है बिक्री को बढ़ाने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि हम इस तरह की चीजें जो है बेचते हैं। उत्पादन लागत जो होती है खरीदार की आवश्यकता के अनुसार वस्तु का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। देखो जहां पे विक्रय लागत जो होती है उत्पाद की मांग को बनाना तथा उसमें बदलाव लाना होता है, लेकिन जो उत्पादन लागत होती है ये उपयोगिता के जो ग्राहक है वो किस तरह की वस्तु चाहता है वैसा वस्तु का निर्माण किया जाए। विक्रय लागत की मात्रा जो है प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिशन के ऊपर निर्भर करती है, अगर कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है तो ये ज्यादा होगी, लेकिन उत्पादन लागत जो है उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करती है। बिक्री लागत जो होती है वस्तु के लिए मांग का निर्माण करती है, उत्पादन जो लागत है वो जो है उपयोगिता का निर्माण करती है।